नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बीते कुछ दिनों से कोरोना ने सभी को डरा दिया है। कोरोना एक बार फिर दरवाजों पर खड़ा है। कोरोना आते ही अनायास डर का प्रचार करने वाले भी अपनी बौद्धिक शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। घर पर जिनसे पूछकर चाय भी ना बनती हो, वो देश को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन कब लेनी भी है या नहीं लेनी है, या वैक्सीन खत्म हो रही है, सरकार के पास वैक्सीन है ही नहीं जैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। उनके पास कीबोर्ड है जिस पर वो उंगलियां तोड़कर राहत महसूस करते हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि देश में फैले इस डर को साक्ष्यों के आधार पर खत्म किया जाए। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने बंद पड़े चूल्हे से इसमें रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुतर्क के इस माहौल में तर्क संगत बातें करना जायज होगा। इसलिए आज हम वैक्सीन की हर एक जानकारी पूरे इत्मीनान से आपको समझाएंगे। कोरोना में लगाई जाने वाली वैक्सीन का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। भारत में लगाई जा रही वैक्सीन के बारे में हर एक जानकारी हमने कई सोर्सेज से जुटाई है। इसमें लंबी रिसर्च की गई है। ये डर का माहौल बताने और दिखाने में मशगूल कई लोगों को सुबह की कड़वी चाय जैसा अनुभव कराएगा, लेकिन आम भारतवासियों को राहत की ऑक्सीजन देगा। भारत 2020 के अंत से दो कोविड-19 वैक्सीनों का उत्पादन कर रहा है। पहली कोविशील्ड लाइसेंस के तहत ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका और दूसरी कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक में बनाई जा रही है। ये दोनों ही वैक्सीन उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिहाज से काफी अलग है। भारत के सेरम इंस्टीट्यूट में एक महीने में 50 से 60 मिलियन की दर से कोविशील्ड का उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन की नजर से देखें तो सेरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है। इसके अलावा सेरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसने मार्च 2021 के अंत तक कोविशील्ड की 270 मिलियन डोज का उत्पादन किया है। कोवैक्सीन का उत्पादन एक महीने में 5 से 7 मिलियन खुराक की दर से होता है। ये जुलाई माह से एक महीने में बढ़कर 12 मिलियन हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। वैक्सीन मैत्री साइट काफी डिटेल में हमको ये बताती है कि वैक्सीन को किस देश को अनुदान, उपहार, कमर्शियल बिक्री और कोवैक्स कमिटमेंट्स के तहत निर्यात किया गया है। इसके साथ भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की 10.5 मिलियन खुराक को संयुक्त रूप से उपहार में दिया है, यानी मदद के तौर पर दूसरे देशों को मुफ्त दिया है और 36 मिलियन से अधिक खुराकों को बेचा भी है। वहां आपको बता दें कि सेरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के 1 बिलियन डोज और नोवावैक्स के 1.1 बिलियन डोज के उत्पादन के अधिकारों के लिए कोवैक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेरम इंस्टीट्यूट को कोवैक्स की 200 मिलियन खुराकों की आपूर्ति करनी है, जिनमें 100 मिलियन कोविशील्ड और 100 मिलियन कोवैक्स की होंगी। ध्यान दीजिएगा कि कोवैक्स की सभी कमिटमेंट्स निर्यात के लिए नहीं है, क्योंकि भारत खुद कोवैक्स लाभार्थी है। ऐसे में अभी तक कोवैक्स के खाते में आई 28 मिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराकों में से 18 मिलियन खुराकें निर्यात की गई हैं, तो वहीं 10 मिलियन खुराकें भारत के खाते में आई हैं। वैक्सीन मैत्री साइट में ये आंकड़े विस्तार से समझाए गए हैं और दिखाए भी गए हैं। भारत कोवैक्स का सबसे अधिक उपभोग करने वाला लाभार्थी है और इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर भी नजर आता है। कोरोना वैक्सीन की कमी पर होने वाली अधिकांश बातचीत बताती है कि कुल उत्पादन एक महीने में लगभग 65 मिलियन खुराक का है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन में 2 मिलियन से अधिक खुराक इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि भारत इससे कहीं अधिक भी कर रहा है, एक दिन में 3.6 मिलियन। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि भारत में तो फिर कोरोना वैक्सीन की कमी देखी जानी चाहिए। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के पास स्टॉक में कोरोना वैक्सीन है। कोविशील्ड की 40 मिलियन खुराकों को कोविशील्ड द्वारा अप्रूवल मिलने के पहले ही नवंबर 2020 के अंत तक तैयार कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस कोरोना वैक्सीन के स्टॉक में फरवरी में 50 मिलियन और मार्च में 70 मिलियन से अधिक की बढ़त हुई है। मार्च में कोवैक्सीन के स्टॉक में 20 मिलियन खुराक थे। इन कंपनियों ने अनुमोदन यानी अप्रूवल से पहले ही भारी मात्रा में उत्पादन किया था। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट वैक्सीन के प्रोडक्शन और कंजप्शन यानी खपत को दर्शाता है। ब्राउन रंग की सेल्स में देखकर आप समझ सकते हैं कि 12 अप्रैल को 8 बजे तक 108.2 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 64.9 मिलियन खुराकों का निर्यात किया गया है और आखिर में मार्च में सेरम इंस्टीट्यूट का 270 मिलियन खुराकों का उत्पादन। निर्यात के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अप्रैल में निर्यात लगभग शून्य हो गया है। जानकारी राइट और यानी आपकी दाई ओर है। अतिरिक्त उत्पादन जो स्टॉक का गठन करता है
मार्च के अंत में भारत के पास 140 मिलियन से अधिक कोरोना वैक्सीन का भंडार था। अतिरिक्त स्टॉक ने भारत को उत्पादन के अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम किया है। आप इस चार्ट की मदद से एक माह में कोरोना वैक्सीन के दिए जाने के पैटर्न को समझ सकते हैं। कोविशील्ड का उत्पादन मई जून में 100 मिलियन खुराक प्रति माह तक बढ़ जाएगा। जून जुलाई में कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़कर 12 मिलियन हो जाएगा। अब इसी संख्या को पहले के चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लेते हैं कि अप्रैल के अंत में प्रतिदिन 3.6 मिलियन वैक्सीन लगाई जाएंगी, तो वहीं मई जुलाई में एक दिन में 4 मिलियन वैक्सीन तक की जरूरत होगी। अब चार्ट में दिख रहे आंकड़ों से साफ नजर आता है कि जून जुलाई के उत्पादन और खपत दर अच्छी तरह से बैलेंस है, जिसे कि सरकार को मैनेज करना है। वैसे यहाँ सरकार अपने द्वारा सेट टारगेट को ही क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। सरकार ने जुलाई तक 200 से 250 मिलियन वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन चार्ट को देखकर लगता है कि ये दोगुने से अधिक यानी 530 मिलियन वैक्सीनेशन तक पहुंच जाएगा। सरकार अपने मूल लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण रूप से हावी है, जो जुलाई तक 200 से 250 मिलियन टीकाकरण करने के लिए था। उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि यह चालू संख्या में दोगुने से अधिक 530 मिलियन का प्रदर्शन करेगा। मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकारों को चाहिए कि कैपिटल इन्फ्यूजन में तेजी लाकर सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक का विस्तार किया जाए, क्योंकि ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने बिना किसी अप्रूवल के मिलने से पहले ही उत्पादन करके वैक्सीन स्टॉक की। ऐसा कर उन्होंने वैक्सीन की वास्तविक कमी को रोका है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है नाम के नैरेटिव को सेट कर कुछ लोग डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमने आंकड़ों के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि देश में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध है। फिर भी अगले 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार वर्तमान में 3.5 से 4 मिलियन प्रतिदिन वैक्सीनेशन की दर को जारी रख सकती है या उसमें तेजी भी ला सकती है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी पर्याप्त उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी ताकि वैक्सीनेशन की दर को कम या ज्यादा किया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा भारत @9।